सरकार भले ही जनता को सुविधाएं पहुंचाने की लाख कोशिश कर रही हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सरकारी मंशा को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। मामला विदिशा जिले के शमशाबाद नगर परिषद का है, जहां सूरी नगर स्थित सामुदायिक भवन पर नगर परिषद के सीएमओ ने कब्जा जमाया हुआ है, जिसकी वजह से नगरवासियों को मांगलिक कार्यों के आयोजनों के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। कांग्रेस ने जिला प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में सीएमओ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शमशाबाद तहसीलदार ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ये सरासर गलत है। मैंने जब मैं तात्कालिक रूप में मैं मंडल अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, और माननीय राघव जी भाई वहाँ यहाँ से वित्त मंत्री थे, तो मैंने विशेष रूप से मांग कर कि शमशाबाद की जनता के लिए धर्मशालाएं नहीं हैं, लोगों के लिए कार्यक्रम करने के लिए जगह नहीं है, तो मैंने तात्कालिक रूप में 50 लाख रुपये मंजूर कराकर मैंने इधर बाबा रामदेव मार्ग पर ये सामुदायिक भवन का निर्माण माननीय मंत्री जी से स्वीकृत करके कराया कि शमशाबाद की जनता को इसका लाभ मिले, लोग अपने कार्यक्रम कर सकें, लोग भली भांति से जिनका पैसा जो है धर्मशालाओं में गार्डनों में व्यतीत होता है वो पैसा बचे, इस रूप में हमने इसका इसके लिए स्वीकृत कराया था। बाट क्रमान 6 में जो सामुदायिक भवन है रामदेव मंदिर के पास में, वो राघव जी भाई द्वारा लोकपर्ण कर बनवाया गया था, बाटवासियों या बाहर से आए लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था के लिए उसमें हमने व्यवस्था की थी, लेकिन सीएमओ साहब ने उसमें कब्जा कर रखा है, जिससे बाढ़वासियों को रहवासियों को बहुत दिक्कत जा रही है उससे, क्योंकि उसके अलावा कोई शमशाबाद में कोई जगह है ही नहीं। जो सीएमओ साहब सामुदायिक भवन में रह रहे हैं वो गरीबों के लिए बनाया गया था राघव जी भाई के टाइम में। मैं रोज मंदिर जाता हूँ और सीएमओ साहब ने उस पर डेरा डाल रखा है, और गरीबों के लिए पैसे दे के भी वो जगह नहीं मिल पा रही। कितनी परेशानी हो रही है गरीब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, कोई धर्मशाला में ना तो पैसे दे पाते ना वो गार्डन में पैसे दे पाते, और वो समय भवन है और राघव जी भाई के टाइम के जब से ही वो भवन खाली हो जाएगा, जनता को क्या सुविधा मिलेगी? जनता को सुविधा मिलेगी कम से कम, जनता उसमें गरीब आदमी उसका विवाह करेगा, शादी करेगा, रसोई करेगा, कुछ भी कर सकता है, कम से कम उससे परेशानी तो नहीं होगी। इस संबंध में मुझे जो जानकारी थी कि वो सीएमओ निवास के रूप में थे और रेस्ट हाउस के रूप में थे, अब आपने मुझे दिखाया कि वो सामुदायिक भवन है, तो उस संबंध में हम जाँच करेंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी।